तो कैसे हो भाई लोग, होप्सो आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, इसलिए हंसते और मुस्कुराते रहना। तो एक ऐसी जर्नी जिसका आपको एंड ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आप चलते जा रहे हो पर कहाँ जा रहे हो, आप बस सफ़र करते जा रहे हो, आपको बस सज़ा मिलती जा रही है पर क्यों मिल रही है, किस लिए मिल रही है, कौन की वजह से मिल रही है, ये बिल्कुल ही नहीं पता। आप एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हो जहाँ पर आपको उसका एंड भी नहीं पता, ना ही उसका रूट पता है, यहाँ तक कि आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि उस सब चीज़ों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इतनी सफरिंग, इतना पेन की वजह से आपकी शख्सियत चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो पर्सनैलिटी जिससे लोग प्यार करते थे, पर आप अब जो इंसान हो लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि आप बस एक ही चीज़ चाहते हो, बदला एंड रिवेंज, जिसने आपको इतना दर्द दे दिया उस शख्स से। तो एक ऐसी ही मूवी का आज हम रिव्यू करेंगे, जी हाँ, ओल्ड बॉय। जी हाँ, सिर्फ नाम ओल्ड है, काम सारे है ना जवानी वाले ही हुए इसमें। ये मूवी जो रिलीज़ हुई थी 2003 में हुई थी, पर पता है इस मूवी का रिलीजिंग टाइम से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पर इसकी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी बहुत ज़्यादा है, उसका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो ना भाई लोग, अपन भी क्यों ना इसका रिव्यू कर देते, तो बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई लोग, इस मूवी में क्या नहीं है, मतलब एक फुल पैकेज है, आप मान के चलो। इसमें आपको एक्शन मिल जाएगा, थ्रिलर मिल जाएगा, ब्लडलेस मिल जाएगा, साइकोपैथ मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, और दो तीन चीज़ें मैं भूल रहा हूँ ना, वो भी आप इसमें ऐड कर लो, क्योंकि ये पूरा तरह से सारे जॉनर का मिक्सचर है, समझ रहे हो। जितना मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना, उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस बारे में बोलूँगा, पर आखिरी में जो इनकी एंडिंग दिखाई ना, मेरा पूरा नज़रिया चेंज कर दिया मूवी देखने का, पूरे इतने भयंकर गूज़बम्स आए थे ना, इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, समझ रहे हो, मेरे पूरे दिमाग की फाड़ दिया सही में। क्योंकि मैं खुद ही इंटरवल तक सोच रहा था कि मूवी में चल क्या रहा है, पर जैसे ही एंडिंग आई ना, मार्वलस एंडिंग, सही में मार्वलस एंडिंग। तो स्टोरी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है, आप मान सकते हो उसकी एज जो होगी 30s या 40s में होगा, पर वो बहुत ज़्यादा नोटोरियस था और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा पक पक करता था, बिल्कुल मेरे जैसा, पर मैं अपना किडनैप नहीं करवाना चाहता। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टोरी में इसका आगे किडनैप हो जाता है, जी हाँ, और ऐसे किडनैप होते हैं किसी को कानों कान खबर नहीं पता चलती कि वो कहाँ गया, कौन ले गया, आखिर कौन उसको उठा के ले गया और क्यों ले गया। और ठीक 15 साल बाद उसको जैसे उठाया था वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी रीजन, समझ रहे हो। पर अब वो जो बंदा था वो पहले जैसा नोटोरियस या टॉकेटिव नहीं रहा, वो अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुका है। ऑब्वियस ही बात है, कोई बंदा अगर 15 साल तक एक ही कैबिन में बंद रहेगा तो उसका पर्सनैलिटी चेंज तो आएंगे ही सही, पर अब ये जो बंदा था एक मॉन्स्टर टाइप का बन चुका था। अब ये सिर्फ रिवेंज चाहता था, बदला चाहता था, कि ऑब्वियस ही, क्योंकि एक बंदे की पूरी 1/4 लाइफ किसी ने स्पॉइल कर दी, तो वो तो अब यही चाहेगा ना। अगर हम बात करें मूवी के रिदम की, तो मूवी का रिदम बहुत अच्छा है, सिनेमैटिक्स डिसेंट है, पर सिर्फ सिनेमैटिक्स की वजह से हम मूवी की स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमारा ब्रेन जो है एक केज में बंद है, इसलिए हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसमें सिनेमैटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे ख्याल से। तो अगर हम बैकग्राउंड सॉन्ग्स की बात करें या अगर हम BGM की बात करें, तो ये ट्रेडिशनल कोरियन कल्चर को हाईलाइट करता है, पर ये उतना ही लिया गया है जितना हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, मतलब जितना नीट था उतना ही लिया गया स्वाद अनुसार, समझ रहे हो। इसमें जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है डायसूओ, अरे वाह एक बार में बोल दिया, तो इसमें जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है, इनने बहुत फंडामेंटल एक्टिंग करी है, क्योंकि इनका स्क्रीन टाइम एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स बहुत ज़्यादा था। तो जितनी भी स्टोरी जो हमसे कन्वे करी है ना इस मूवी में, अधिकतर टाइम इनकी ही एक्टिंग की वजह से वो स्टोरी कन्वे हुई है, इसलिए मेरे ख्याल से इनकी एक्टिंग कमेंडेबल थी। तो भाई लोग, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ या कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहता हूँ, उसको आप ऐसा कंक्लूजन ले सकते हो वीडियो का। देखो, मुझको जो मूवी में सबसे अच्छा पार्ट लगा वो ये था कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की एक्टिंग, फिर सिनेमेटिक शॉट्स और उसके बाद प्लॉटिंग, स्टोरी की प्लॉटिंग बहुत सही हुई है। ये तीन चीज़ों की वजह से मूवी जो है बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है, उसका टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा ऑसम इन तीनों की वजह से हुआ मेरे ख्याल से। और जो एक अब मेरे को जो खटक रही थी वो ये चीज़ थी कि इसमें हर जॉनर का मिक्सचर था, हर जॉनर के मिक्सचर की वजह से हमें थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर इसका जो स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नया है और बिल्कुल ऑसम लगा मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा था। इसमें जो एक डायलॉग है या जो क्वेट है, वो आप बहुत तरह से आइडियलिस्टिक बोल सकते हो, आप अपनी रियल लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा कि हम जब हंसते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हंसते हैं, मतलब जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो लोग खुशियाँ बांटने आते हैं, पर जब हम रोते हैं तब कोई भी नहीं होता हमारे आसपास, मतलब जब हमारी दुख की घड़ी होती है, जब हम सैड होते हैं, जब हमारी मुश्किल वक्त होता है, तब हमारे पास कोई नहीं होता, जब हमें ज़रूरत होती है लोगों की। तो एक तरह से बहुत अच्छा फ्रेज या बहुत अच्छा डायलॉग इन्हें यूज़ किया है लाइफ का बिटर ट्रूथ बताने के लिए, जो एक्चुअली ट्रू है। तो इसी के साथ आज के हमारे शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो को हम यहीं समाप्तम करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो काय का वेट कर रहे हो भाई लोग, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। साथ ही साथ
आपको कोई भी आर्ग्यू है, कोई भी सजेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ कमेंट करो, कि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं अपने आपको इंप्रूव कर पाता हूँ, अपने आपको बेहतर कर पाता हूँ सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच भाई लोग। और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी आ गया, वहाँ पर मैं मूवी लेट स्टफ, एनिमल स्टफ, स्पॉइलर प्रेडिक्शन करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी एक बार चेकआउट करना। मैं नीचे इंस्टाग्राम की लिंक पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और क्या तो ठीक है, टिल देन किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, इसलिए साइनिंग ऑफ, शबा खैर, बाय बाय, टाटा।